गुड मॉर्निंग क्लास, स्टैंडर्ड 9th, चैप्टर नंबर 6। टुडे आवर चैप्टर 6 फर्स्ट लेक्चर। वी विल डिस्कस बेसिक फॉर्मूला एंड डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लुक हियर, जैसा कि आपका चैप्टर नाम है लाइंस। अब लाइंस होते क्या है? लाइंस मतलब कलेक्शन ऑफ द डॉट्स। ये क्या आपका एक लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? लाइन कहा जाता है। लाइन को हमेशा रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट, जिसके लाइन के नो एंड पॉइंट, यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन कहा जाता है। आप बेसिक सीख लेते, पहले रे। रे में क्या होता है? ओनली वन एंड पॉइंट, जिसके ओनली वन एंड पॉइंट होते हैं, जिससे आपका इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस पार्ट को ये ऐसे होगा, ये आपका इस तरीके से होगा। ओके, अब थर्ड पार्ट में आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है? टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये सब आप लास्ट ईयर 7th-8th में लगभग, इवन छोटे क्लास में भी आ चुका है, तो आपको रिविजन जिस खाने पर रिविजन करवा रहा हूँ मैं, बाकी अपना स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो आपका ये हो गया ए बी, उसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से। ओके, इतना क्लियर। अब लाइन्स देखा जाए तो अब आता आपका ये क्या है, सारा लाइन का है, ये पूरा पार्ट किसका है? लाइन के लिए है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, अब आता एंगल्स, यानी कौन सा वर्ड? एंगल्स। अब एंगल्स पहले बनता कैसे है? हाउ डू द एंगल फॉर्म? एंगल बनने के लिए, जैसा कि आपका कंपलसरी, टू रे शुड बी ज्वाइनिंग इज फॉर्म्ड बाय टू रेस सेम पॉइंट। दैट मीन्स ये आपका रे नंबर 1, ये आपका रे नंबर 2, इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट, यानी आपका जो ये वर्ड है, ये आपका ये रहा, यानी ये आपका रे नंबर 1, रे नंबर 2, और ये आपका ये ओरिजिन पॉइंट O। इससे क्या बोलते हैं? इस पार्ट को एंगल कहा जाता है। इतना क्लियर। अब एंगल के टाइप्स, अब जैसा कि एंगल के टाइप्स आपने पढ़े होंगे शायद, पहले आता आपका राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड
ये सारे क्या हैं एंगल के, ये है। अब सबसे पहले आता है आपका राइट एंगल, एन एंगल मेजर इज 90। किसी भी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल कहा जाता है। यानी राइट एंगल आपने कहाँ कहाँ देखा बताओ, राइट एंगल आपने कहाँ कहाँ देखा है अब तक? तो हाँ, आपके पास डेली लाइफ में आप देखते हो, आपका जो ये ब्लैक बोर्ड का कॉर्नर्स, दरवाजे के कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स है प्लस आप देखो ये जो पार्ट है बुक के कॉर्नर्स, बेंचेस के कॉर्नर्स, वो सब चीज़ें किस में आते हैं आपके राइट एंगल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका उसका डायग्राम कैसा होता है एग्जैक्ट इस तरीके से, ये आपका 90। इतना क्लियर? एक्यूट एंगल लेस देन 90 से कम। अब 90 से कम आप लोग कहाँ देखा है हमने? तो अपने दरवाजे को जो स्टेट आपको थोड़ा ऐसे ऐसे आगे आगे कर लो, ठीक है, पूरा बंद मत करो, तो वो क्या हो जाएगा आपका 90 से कम, दैट इज इक्वल टू इस तरीके से, इसे बोलते हैं लेस देन 90 से कम। ऑप्टिक्स एंगल बहुत ज़्यादा मोर देन 90, तो क्या आएगा आपका मोर देन 90। वो आपका किस तरीके से होगा डायग्राम, इस तरीके से मोर देन 90। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में देखा जाए तो मेजर इज 180, इस आपका ये इसे कहा जाएगा होल एंगल कहा जाएगा। इतना क्लियर? अब आता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मीन्स क्या, मोर देन 180 बट लेस देन 360 से कम, उसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट मीन्स क्या, मेजर इज 360, एंगल का मेजर कितना है 360 है, ओके, जिसका आपका ही पूरा सर्कल, इसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। और रिफ्लेक्स मीन्स क्या, इस पार्ट इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या, देखो एंगल का मेजर क्या है 360 हो उससे क्या कहा जाता है आपका कंप्लीट एंगल। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, इसे कहा जाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है आपका एक और एंगल,
लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, सेम सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180। कैसे तरीके से एंगल ए, इसे क्या बोलते हैं, एंगल के सारे पार्ट्स, सारे पार्ट्स को उन्होंने बताया। चलो अब नोट कर लो सब, नौ हमने अब तक देखा है कि एंगल के सारे टाइप्स। अब लाइन में इसे कहा जाता है आपका, इट इज कॉल्ड पैरेलल्स। क्यों? डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लाइन L, लाइन M, तो L पैरेलल टू M, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल मतलब जो लाइन आपस में टच नहीं करते, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अब किसी पैरेलल लाइन में एक लाइन पास करे, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन है, टी एल एम, कैसा लिखेंगे हम, टी इज ट्रांसवर्सल ऑफ एल, सॉरी लाइन एल एंड एम, यानी टी ट्रांसवर्सल हो रहा है कहाँ से, एल पॉइंट का नाम दे दो आप, एम सॉरी ओ एंड पी, तो लिखोगे विथ ओ एंड पी, तो आपको ओवर पॉइंट से आपका इसे क्या बोलते हैं, आपका इस तरीके से पॉइंट हो रहा है। तो आपको ध्यान वही रखना है कि अगर दो लाइन आपस में टच ना करें उसे कहा जाता है आपका पैरेलल लाइंस, और अगर कोई भी दो लाइन में एक लाइन पास करे तो ओनली टू पॉइंट से वो पास करता है, जिसे क्या कहा जाता है, आपका ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन कहा जाता है। उसमें आप ऐसा लिखोगे, टी इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम द पॉइंट ऑफ ओ एंड पी। अब हमेशा ट्रांसवर्सल में कितने एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स इन टोटल 8 एंगल इज फॉर्म्ड। लाइन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस। अब वो कौन कौन से एंगल होते हैं तो देखा जाए तो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में, तो पहला होता है आपका करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, फिर आपका आता है इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर अब आता है आपका टॉपिक कि लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर वन। अब इतना क्लियर, तो अब यानी हम लाइन का नाम ओनली वन दे सकते हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखा जाए तो हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, दैट मीन्स टू एंड फोर दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वन टू थ्री फोर सारे क्या है, एंगल्स के नेम्स है जो यहाँ पर दिखा, अब अपने देखा जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना इतना बेसिक क्लियर, आपको आपको ऊपर रिवीजन करना है, बाकी अपने पार्ट टू, ये अपना फर्स्ट लेक्चर था, अब पार्ट टू में चैप्टर नंबर सिक्स पार्ट टू हम नोट करेंगे, ओके।